यू मे अनदर व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आज मैं जा रही हूँ मेरी मौसी के घर, और किस लिए जा रही हूँ ये आप सबको तो थंबनेल देखकर पता चल ही गया है। तो ये है मेरा आज का आउटफिट, मैं बस में ट्रैवल करूँगी तो इसलिए मैं कम्फर्टेबल पहन लिया। तो चलो मैं जाती हूँ, और क्या क्या होता है वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, साथ में रहे। देर चल के नहीं है मेरे मम्मी का घर, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा बस, क्योंकि बहुत दूर है मेरे मम्मी का घर और मौसी का भी, दोनों पास में ही रहते हैं। आज वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ा बारिश हो गया है इसलिए धूप ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है। पतिदीप का काम है, वो तो नहीं जा पाएगा तो वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ देगा, उसके बाद मैं खुद ही चली जाऊँगी। वो देखो गाइस मेरे बस आ रहा है, पर बस में एक भी सीट नहीं है। एक घंटा जर्नी के बाद मैं बस से उतरी, मेरी मम्मी के घर आने के लिए एक घंटा लगता है। यार इतनी दूर क्यों घर बनाया मम्मी? शायद मैंने ससुराल ज़्यादा दूर चूज़ कर लिया, तो मैं पहुंच गई। बस से उतरने के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, तो वो देखिए रथ दिख रहा है, मैं आप लोगों को सामने जाके दिखाती हूँ। वो जो रथ है ना, वो मेरा मौसा जी खुद अपने हाथों से बनाता है। ये देखो कितना सुंदर सजाया है, बर्थडे है इसलिए बेलून सजाया है। और मम्मी लोगों को पता नहीं है कि मैं आऊँगी, चलो देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। पहले देखते हैं किसको मिलते हैं हम। वो पहले तो यहाँ पे जीजा जी रुके हुए हैं, वो भी शायद अभी आया है। मम्मी यहाँ पे बैठे, किसी को पता नहीं था मैं आऊंगी। देखो दोस्तों सब कितने खुश है मुझको देख के, किसी को पता नहीं था मैं आऊंगी इसलिए सब इतना एक्साइटेड है। अगर मैं किसी को बोल के आती तो इतना खुश किसी को देख पाते आप बोलिए? मेरी तरह ऐसे कौन कौन करते हैं कमेंट में जरूर बताना। और मैं इतना अच्छे टाइम पे आई, मुझे लगा था पूजा वूजा खत्म हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ पे तो पूजा चल रहा है। और देखो मेरी जो छोटी है ना, वो कितनी खुश है मुझे देख के। जगन्नाथ का जो पूजा है वो आज ही होता है, रथ के पहले दिन। वो देखो मेरी मौसी है, वो मेरा मौसा जी है, इनका ही पूजा होता है, यही लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। पूजा के बाद हम बनाएंगे जगन्नाथ का हैप्पी वाला बर्थडे। हम सब लोगों का बर्थडे होता है, तो आज जगन्नाथ का बर्थडे है तो इसलिए हम लोग भी जगन्नाथ का बर्थडे मनाएंगे। और वो नज़ारा तो दोस्तों बहुत अलग ही लेवल का होगा। और जो जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, भगवान उसको बहुत खुश रखे, उसको आशा पूर्ण हो। इस टाइम हो रहा है यज्ञ, तो दोस्तों बोलो मेरी तरह कौन कौन ऐसे करते हैं अपने घर वालों के साथ। देखो घर वालों को बिना बताए आना, उसको सरप्राइज देना एक अलग ही लेवल का खुशी है। মাসি আর মেসে তুই একসাথে তাকাও দেখি। तो अभी देखो दोस्तों ये है वो सुनहरे समय जिसके लिए हम सब लोग वेट कर रहे थे, आप लोगों को भी वेट करा रहे थे। तो आ गया है केक, मेरे भाई लेके आया है, और यहाँ पे देखो मेरी बहन उसको खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखो दोस्तों कितना अच्छा, कितना सुंदर केक बना है, बहुत अच्छा, मन खुश हो गया। आप लोग देखो और बोलो कमेंट में ये केक कितना सुंदर है, किस किस को पसंद हुआ ये केक। देखो जगन्नाथ का फोटो दिया हुआ है, कितना सुंदर है। हम इसको यहाँ पे रख देंगे, पूजा के बाद फिर इसको कटिंग करेंगे हम लोग।
देखो तो पूजा तो अभी खत्म हो गया, अभी मेरी मौसा जी जा रहे हैं पूरा एरिया घूमने के लिए। जो चावल है ना, जो भोग का चावल होता है उसमें से थोड़ा चावल लेके पूरा एरिया घूमते हैं वो सर में उठा के। तो उसके साथ जो कीर्तन करते हैं, हमारे यहाँ पे बोलते हैं कीर्तन, तो कीर्तन जो लोग करते हैं सब लोग वहाँ पे। ठंडा हो चो तो देखो मेरी बहन ने यहाँ पे पूरा सजाया है बैलून से, बहुत अच्छा लग रहा है। ये गेट सजाया है, देखो यार जो हम लोगों का भी बर्थडे होता है तो ऐसे ही सजाते हैं, तो भगवान का भी हमने ऐसे ही कुछ किया। जगन्नाथ तो दोस्तों आज का प्रोग्राम खत्म हो गया, कल फिर से हम नया वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो मेरी बहन सबको केक दे रहा है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, जो जो भगवान को मानते हैं प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। कल फिर से मैं नया वीडियो लेके आपके साथ आऊंगी।